अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं, तो क्या होगा? शायद आप सोचते हो कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे अलग कई और चीजें भी हो सकती है। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। आइंस्टाइन बता चुके हैं कि किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार देता है। आप ब्लैक होल में जाते ही जलकर राख हो जाएं, यह जरूरी नहीं है। मान लो हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों, या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हों, और तभी ब्लैक होल की चपेट में आप आ जाएं। आपका अनुमान होगा कि ब्लैक होल आपको कुचल देगा, हालांकि वास्तविकता इससे काफी अलग हो सकती है। अगर आप ब्लैक होल की चपेट में आ गए हों, तो आपके साथ दो बातें हो सकती हैं। या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाएंगे, या फिर आप बिना किसी नुकसान झेले ब्लैक होल में फंस जाएंगे। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है, तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और सब कुछ अपने में समेटने लगता है। अब मैं आपको इवेंट होराइजन थ्योरी से ब्लैक होल के बारे में समझाता हूँ। ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। क्वांटम प्रभाव के चलते इससे गर्म कण टूट टूट कर ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं, केंद्र तक वो असीम घुमावदार होता है। वहां आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता है। यहां पहुंचने के बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा, या फिर आप सब कुछ भूलकर नई दुनिया में पहुंच जाएंगे, यह रहस्य अब तक बना हुआ है। आपको देखता एक काल्पनिक साथी। मान लीजिए कि आपके इस सफर में एक साथी जैन भी है। वह बाहर से खड़ी होकर ब्लैक होल के अंदर आपको जाते हुए देख रही है। अगर आप इवेंट होराइजन की ओर आते हैं, तो जैन आपको ऐसा पाती है जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देख रही हो। आप उसे स्लो मोशन में नजर आते हैं। आप उसे आवाज देकर कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वहां कोई हवा नहीं है। हो सकता है कि आप उनके आईफोन से एक ऐप के जरिए संदेश भेजें, यदि ऐसा उपलब्ध हो तो, क्योंकि आपके शब्द तो बहुत देरी से पहुंच रहे होंगे, जिसका कारण यह है कि ब्लैक होल के अंदर फ्रीक्वेंसी लगातार कम होती जाएगी। जब आप होराइजन तक पहुंचेंगे, जेन आपको फ्रीज हुआ पाएगी, मानो किसी ने आपका पॉज बटन दबा दिया हो। आप में कोई गति नहीं होगी और आप होराइजन की भीषण गर्मी की चपेट में आ चुके होंगे। हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। जब तक हम आपके अंतिम संस्कार के बारे में सोचें, जेन के बारे में हम भूल जाते हैं और आपके नजरिए से सोचते हैं, ये बहुत ही विचित्र अनुभव हो सकता है। कैसा होगा यदि आपकी सारी उम्र ब्लैक होल में गुजर जाए? ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्य को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। ये फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। इवेंट होराइजन नाम की कोई चीज अगर होती भी है, तो यह आपकी चिंता का विषय अभी नहीं है। यह जरूर है कि अगर ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ, तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल तब आपके पाँव में ज्यादा महसूस होगा सिर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफी बड़ा है। एक हकीकत यह भी है कि बड़े ब्लैक होल में आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर बिता सकते हैं। वैसे कितना सामान्य हो सकता है, ये सोचने की बात है, क्योंकि इसमें स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं होगा। आपकी कोई इच्छा काम नहीं करेगी, आप दूसरी ओर पलट भी नहीं सकते हैं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो पाते हैं कि ये समय से जुड़ा अनुभव है। समय केवल आगे बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं बढ़ता है। यह हमारी इच्छाओं के खिलाफ भी बढ़ता है और हमें पीछे टर्न लेने से रोकता है।
यानी साफ है भाई कि आप ब्लैक होल में पलट नहीं सकते हैं और ना ही ब्लैक होल को छोड़कर भाग सकते हैं। ऐसे वक्त में आपके दिमाग में एक सवाल जरूर कोने का कि चेन के साथ क्या हुआ था, वह आपको इवेंट होरिजन की सतह पर क्यों जलाने पर उतारू थी। दरअसल चेन तार्किक ढंग से सोच रही थी, उसके नजरिए से आप ब्लैक होल के होरिजन पर चल जाएंगे। ये कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, वह आपके अवशेष को जमा करके आपके परिवार के लोगों को भी भेज सकती है। लेकिन ब्लैक होल के अंदर जाते ही चेन के भौतिक विज्ञान के नियम आप पर काम नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक आप होरिजन के अंदर सीधे जा सकते हैं बिना गर्म कणों से टकराए, नहीं तो आइंस्टाइन के हैप्पीस्ट थॉट और सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो इस लिहाज से भौतिक विज्ञान के मुताबिक आपके साथ दोनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है। आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर चलकर खाक हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष में दूर की वस्तुओं में जुड़ाव, क्या यह संभव है या नहीं, चलिए गौर करते हैं। 2012 की गर्मियों में अहमद अलमेहरी, डोनाल्ड मारोल्क, जोए पेल्चिंस्की और जेम्स सूले, इन सबको एक साथ MPS भी कहा जाता है, इन्होंने ब्लैक होल को लेकर अब तक की हमारी राय को बदला। इन चारों भौतिक विज्ञानों के मुताबिक ये संभव है कि ब्लैक होल के इवेंट होरिजन के अंदर जाए बिना अंदर की जानकारी हमें मिल सके। इसके लिए इन चारों ने क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन के सिद्धांतों का ही सहारा लिया। उनके मुताबिक अंतरिक्ष में एक दूसरे से दूर की वस्तुओं का आपस में जुड़ाव हो सकता है, वे एक के ही दो हिस्से होते हैं। हालांकि इस सिद्धांत से भी कोई नतीजा नहीं निकला, यह मूलभूत भौतिक विज्ञान का सबसे विवादास्पद सवाल अब भी बना हुआ है। न्यूज सिटी स्थित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के डेनियल हार्लो और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के पैट्रिक हाइडन ने ये पता लगाने की कोशिश की कि स्पेस की दो वस्तुओं यानी आपका और ब्लैक होल के होरिजन के अंदर के हिस्सों का जुड़ाव किस तरह का है। 2013 में इन दोनों ने पाया कि अगर सबसे तेज कंप्यूटर से भी ये पता लगाने की कोशिश की गई तो इस जुड़ाव का पता लगाने में काफ़ी वक्त लगेगा। इसको डिकोड करने में इतना वक्त भी लग सकता है जब तक कि ब्लैक होल खुद ही पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। जाहिर है ऐसे में ब्लैक होल के अंदर गिरने पर आपके साथ क्या होगा, इसको लेकर दोनों जवाब अपनी अपनी जगह बने हुए हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए तो नोटिफिकेशन बेल दबा दें।